करने वाले हैं क्लास में वो है रियल डेप्थ और एप्रेंट। अब रियल डेप्थ क्या होती है, जो एक्चुअली होती है, जैसे अगर मैं कहूँ उस आप किसी भी सिक्के को या कोई भी चीज़ जो पानी के अंदर हो तो वो कुछ ना कुछ ओरिजिनल डेप्थ पे होता है। यस सर। बट बिकॉज ऑफ देयर मीडियम जो कि वाटर है उसकी वजह से वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, शिफ्ट होके दिखता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है, तो जो ऊपर होके दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं एप्रेंट। समझ में? एक एग्जांपल के साथ या एक डायग्राम के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ कि मान लो ये आपके पास कोई सिक्का है, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इतना पानी भरा हुआ, तो सबसे पहले कभी भी जब डायग्राम बनाना होता था या रे डायग्राम बनाते थे, आपको याद होना चाहिए 9th क्लास में, ये आप दो रे मिनिमम बनाते हो, सिंगल रे से कभी भी रे डायग्राम नहीं बनता। समझ में? Yes, तो एक रे तो हमेशा याद रखना सीधी निकलेगी। समझ में आ रहा है? Yes, एक रे कैसे निकलेगी? सीधी, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो वो ऐसी अनडिविडेड निकल जाएगी, ये हमने पढ़ा है फर्स्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रे कैसी आती है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होते हुए कैसे निकलती है, अनडिविडेड सीधी निकल जाएगी। कोई डाउट? अब अगर मान के चलो इसके बगल में एक रे है ऐसे जो कुछ एंगल पे जा रही है, अब कुछ एंगल पे जा रही है, हम उस एंगल से मतलब नहीं है, बस अभी मुझे बताइए कोई भी एंगल हो, क्योंकि ये मीडियम है और ये एयर है, तो एयर के कंपैरेटिवली कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम वैक्यूम को छोड़कर बाकी सब डेंसर है, है ना? तो या कोई भी मीडियम हो, डेंसर मीडियम होगा और एयर उसके लिए क्या होगी, ये तो सबको क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। तो अगर लाइट अंदर मीडियम से, यानी वाटर से या कोई भी मीडियम हो उससे अगर बाहर जा रही है तो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी। तो अगर मैं इसे पीछे की तरफ बैंड कर दूं ऐसे, क्योंकि देखो हमें जो चीज दिखाई देती है वो इस रे की वजह से नहीं दिखाई देगी, ये रे की वजह से दिखाई देगी, क्योंकि तो एक्चुअल में ये रे यहाँ जाती है, हमें दिखाई इस रे की वजह से रहा, तो हमें जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो इधर दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? yes, sir, yes, sir. मैंने एक डायग्राम यूट्यूब पर डाला था, अगर आपने देखा हो एग वाला, yes, sir. तो वो एग क्यों दिख रहा था आईपैड के पीछे या बुक के पीछे, क्यों एग दिख रहा, क्योंकि जो उसकी एक कुछ इंसिडेंट रे मिरर पे टकरा रही होंगी और उसको मैं देख रहा हूँ एंगल से, साइड एंगल से। yes, sir. तो जो रे दिख रही है, जो मेरे पास आ रही है, वो रिस्पॉन्सिबल है उस एग को दिखाने के लिए, वैसे ही ये रे रिस्पॉन्सिबल है मुझे कॉइन को दिखाने के लिए, ये रे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑब्वियसली ये रे बनी रही होगी जब ये रे ओरिजिनेट हुई होगी, बिना इस रे के तो ये बनी नहीं सकती, सीधी बात है, ठीक है ना? तो ये बनी कब है, जब ये रे जाइए, बट जो दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी रे है, ये। तो आप जो ऑब्जेक्ट या इमेज, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज देखोगे वो किस रे की वजह से देखोगे, तो इसी रे को आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हो। बात समझ में? तो आपका जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ पे है वो आपको यहाँ दिखा देगा। हाँ जी, अच्छा पानी डाल के कोई चीज ऊपर आ जाती है, भारी है जमीन में जो डूबी हुई है, कहते हैं हल्की चीज को आ जाती है, भारी चीज वो दिखाई देती है, वो एक्चुअल में नहीं होती। अभी तो सब स्मार्ट है, सब पकड़ लेते हैं, वरना पहले के जमाने में अगर आपने वो कभी रामलीला गए हो तो रामलीला में ये भी एक गेम होता था, इतना बड़ा सा कुंड होता था, उसमें वो सिक्का डाल देते थे या बांध सिक्के पे और दुगने पैसे ले जाओ, और कोई नहीं मार पाता था, क्यों, जो सिक्के पे मार रहे हैं वो कौन से सिक्के पे मार रहे हैं, सारे जो ऊपर की साइड है वो है ही नहीं, और लगा रहो वो है ही नहीं, वो नीचे बैठा वो नीचे, और सब ऐसे सिक्के को ऊपर से निकल जाते थे, ये तो बड़ा खतरनाक हो रहा है, तो वहां पे कुछ नहीं, वो रियल और एप्रेंट है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज योर रियल डेप्थ, दिख रही है, ये ओरिजिनल है और दिस इज योर एप्रेंट डेप्थ। तो रियल एप्रेंट डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ से छोटी है, बट ये कौन से केस में, जब डेंसर टू रेयर और रेयर टू डेंसर आएगा तो बड़ी होगी, ऐसा रटना वाला साहब मतलब हम जब भी कोई मछलियों को देखते हैं तो वो एक्चुअल जो डेप्थ है उससे थोड़ी ऊंची दिखती है। ये कभी अगर आप लोगों ने देखा स्विमिंग पूल में, क्या अगर आसपास गए हो
तो जो 6 फुट का स्विमिंग पूल होता है पानी भरा हुआ, वो अभी 6 का तो लगता ही नहीं, ये तो शायद 3 का भी नहीं हो, जब उसमें जैसे कूदते वो ऐसा होता, हाँ भाई 6 जो बोला है वही है, ठीक है। और 2 वाला तो 2 या 3 फुट का ज्यादा लगता है, ये तो पैर डाल के बैठना उसमें, पर वो भी आधा डुबा लेता है। तो क्योंकि जो आपके स्विमिंग पूल का बेस है वो क्या है, हल्का सा होता है, ऐसे ही कभी सोचा नहीं कि हम कहीं जहाँ मछलियाँ हों और हम जाते हों, तो जब जैसे हम स्टार्टिंग में जाते हैं, मत कहना सर हम, मैं तो जाता हूँ मछलियाँ भागती हुई आ जाती हैं, आप एक्वामैन नहीं तो आप जब जाते हैं तो मछलियाँ आपसे भागती हैं, गुरुद्वारे में जाके देख सकते हो, अगला साइड में जाके आप देख लेना, जैसे ही आप जाते हो वो भाग जाएंगे, पता है क्यों, एक तो आप ऐसी उनके कंपैरेटिवली बड़े हो, और क्योंकि वो पानी से देख रही हैं, आप तो कतई दानव दिख रहे हो, ठीक है, आदि पुरुष वाले रावण नहीं बट एक बड़ा था लंबे चौड़े आदमी दिख रहे हो, तो वो दरखास्त जाएगी देख के आप कहेंगे अरे भैया ये कहाँ से आया, समझ में आया नहीं है, तो कोई तो रियल डेप्थ आप ये मत याद रख, रटना मत, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप रटना मत कि अपेरेंट डेप्थ हमेशा छोटी होगी, आप किस तरफ से देख रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, अगर आप एक रेरा मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ को देख रहे हो तो यस अपेरेंट डेप्थ आपको हमेशा छोटी मिलेगी रियल डेप्थ से, और अगर आप एक डेंसर मीडियम से रेरा मीडियम को देख रहे हो तो हमेशा आपको बड़ी दिखेगी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब ये तो मैंने डायग्राम बनाया, हर एक में डायग्राम ऐसी होता है, हर एक फिगर में डायग्राम ऐसी होता है, आप समझो आपने वो पेंसिल वाला डायग्राम फेमस देखा होगा, है ना, देखो कैसे होता है वो भी समझ लो, वो हर बुक में 7th क्लास से तुम्हें घबराता है, बच्चे कहते हैं भाई साहब ये क्या है, देखो मान लो ये ओरिजिनल पेंसिल है, नटराज जी लिखूंगा अप्सरा लिख लो, तू तो अप्सरा ही लिखवाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे रखते हैं, फिलहाल अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे जो उनकी टिप होती है, समझ में आई बात है नहीं, आप सिर्फ टिप की बात करो, टिप से एक लाइन निकलेगी, जो रे सीधी जाएगी परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली वो सीधी निकलेगी, क्लियर है या नहीं है, yes, sir. और एक रे यहाँ से कैसे निकलेगी, कुछ एंगल से और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आऊँ तो ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, yes, तो यहाँ से अब देखो कैसी होगी, ये जो पेंसिल है ये ऐसे जाती, मतलब वो ओरिजिनल पेंसिल ऐसी थी बट क्योंकि जब आप पानी से उसे देखते हो तो आपको ये हिस्सा नहीं दिखाई देगा, आपको हल्की सी ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी, और ऑब्वियसली ये बेस भी ऊपर होता है, ऐसा नहीं है हवा में लटकी हुई दिखती है, ये बेस भी ऊपर हो गया, बेस भी उठता है, हम इसे पेंसिल दिखानी थी इसलिए मैंने पेंसिल दिखाई, तो आपको पेंसिल भी हल्की सी बैंड दिखाई देगी, बात समझ में आया नहीं है, अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये तो हमने समझ लिया भाई ये होता है, बट ये तो आपका एक प्रोसेस है, अब हमें समझना है इसके पीछे की मैथमेटिक्स कि क्यों ऐसा ही क्यों हो रहा है, तो उसके लिए आपको यही वाले डायग्राम को थोड़ा सा बस सिर्फ ऑब्जेक्ट हटा के समझना पड़ेगा, तो अब सबसे पहले डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझना, क्या क्या चीजें बना हुआ, तो वही सेम फिर से बना हुआ आपको एक पॉन्ड या कुछ भी चीज और कुछ मीडियम से वो जा रही है, आपकी बार एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, तो मैं इसे ओ लिख रहा हूँ, इसे ए दे दो नाम, ये बी दे दो, ये ओ है, ठीक है, तो बी ओ अगर मैं रियल डेप्थ बोलूं तो गलत तो नहीं होगा, वो रियल डेप्थ ही है, अब यहां से एक रे गई ऐसे और यहां बनी नॉर्मल, अभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हम बात करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए बताइए क्या ये इंसिडेंट एंगल है, ओ तो इसे चलो एक नाम दे दो सी, इसे एन एन डैश नाम देते हैं, नॉर्मल है ना, एन एन डैश दे दे, तो अब मुझे एक बात बताओ,
अरे ओहो लो भैया लो खुश हो जाओ। बी ओ सी इज इक्वल टू ओ सी एन एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये होता है भाई, ये अगर आई है तो ये भी तो आई होगा, ये बात समझो ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब कैसे रे बैंड होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल एरो बना लेना भैया। यस सर। अवे फ्रॉम नॉर्मल तो इसे बैंड करिए पीछे की तरफ, तो ये यहाँ आ गया एरो पे बनना था ठीक है। तो ये इमेज यहाँ बन गई, तो ये क्या होता है रिफ्लेक्शन। अब इसको भूल जाओ, अब ये रे आओ, ये दोनों नॉर्मल ही तो है, ये तो 90 डिग्री सरफेस के साथ है, तो ये दोनों पैरेलल हुई और इनको लाइन ये काट रहे, तो ये आर नहीं होगा और किस प्रॉपर। अच्छा बी आई सी इक्वल्स टू एंगल एंड सी, अब इसको क्या बना दूं आर बी ले लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। दो रे ऐसी हैं, इनको ये लाइन कट कर रही है, तो जो एंगल यहाँ बना होगा वो एंगल यहाँ बना होगा। yes, yes, तो जो एंगल यहाँ बना वो एंगल यहाँ बना, ये लाइन और ये लाइन पहले और एक ही लाइन तो जा रही है सीधी। yes. तो जो एंगल यहाँ बना होगा वही एंगल तो यहाँ बना होगा, तो ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलूँ तो ये आपका आई है बी ओ सी और ये आपका आर ठीक है, आई एंगल और आर एंगल ठीक है ना, एंगल आई और एंगल आर ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस डायग्राम को जरा इधर देखो, एक ये ट्राइंगल आपके पास 90 डिग्री बी सी सी ओ आई, हाँ वो भी बनाऊंगा अभी, और बी सी ओ है ना। ये एंगल जब आई है तो ये आर है और ये वाला सब आई है, साइन आर क्या होगा और साइन आई क्या होगा। तो हमें पता है साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद है तुझे? तो परपेंडिकुलर बताओ तो इसमें एंगल के सामने वाला है बीसी अपॉन सीआई है ना, और इधर क्या होगा ओसी नहीं बीसी अपॉन सीओ अब एक चीज समझना बहुत ध्यान से, अभी देखो ये जो मार्कर है ये इसके साथ बिल्कुल टच है, दिख रहा है आपको? बोर्ड का कोना नहीं दिख रहा होगा, उधर वाले बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, इधर वालों को सबको दिख रहा होगा ठीक है। जो सामने बैठे वो बताओ सामने वाले से, बोर्ड का कोना नहीं दिख रहा ना? No, sir. और ये ना बोर्ड की ऊपर की चीज दिख रही है। अगर मैं इसे हल्का सा टेढ़ा कर दूं इधर का दिख रहा है, बट अभी भी ऊपर से टच है, अभी भी ऊपर से टच ही तो है, इसको थोड़ा और चेंज करो तो अभी भी टच है, अभी भी है। अब यहाँ से करूंगा तो आपको अब दिखेगा, बट अगर मैं यहाँ तक ही रखूँ तो अभी भी टच ही रख रहा है। तो अब समझो ये जो एंगल इतना तो एंगल मूव कर दिया, बट स्टिल ये परपेंडिकुलर किसके इक्वल रहा? हाइपोटेन्यूज के इक्वल नहीं है। सुनो जब भी जैसे ये चीज अभी इधर देखो, अगर मैं ये लाइन बना दूं फिलहाल मार्कर जितनी, ये अभी आपको लाइन नहीं दिख रही ना, अगर मैं इधर करूं तो आप इधर वालों को दिख रही होगी। अब देखो ये लाइन से हिल गया, कुछ ना कुछ तो एंगल बना होगा, बट जितना बड़ी ये लाइन है अभी भी उतना बड़ा मार्कर नहीं है। जब तक मैं वो उधर से ना इतना मूव ना कर दूं, जब तक आपको वो नीचे जाता नहीं दिखेगा। अगर मैं दोबारा से पीछे ले आऊं तो आपको ये ऑलमोस्ट बराबर दिखेगा,
मतलब फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल, समझना, फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल फॉर वेरी स्मॉल एंगल. अब ये लाइन यहां याद रखना, फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस. अगर मैं इसकी बात बोलू तो यहां पर सी आई क्या बन जाएगा, बी आई परपेंडिकुलर है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि यही तो है. इसकी बात कर रहे थे, ये लाइन इसी से होके आई होगी ना, तो ये इसके इक्वल बन जाएगा और ये CO किसके इक्वल बन जाएगा, ये बात समझ में आई नहीं है. ये है डेरिवेशन इसके बाद करना. तो M mu A क्या हो जाएगा, CI की जगह क्या लिखना है, और ये क्या हो जाएगा, अब BI क्या है, उधर देखो बोलो, कहते हैं रट्टू तोता एप्रेंट है, रियल एप्रेंट है, अपॉन रियल. अब ये कौन सा केस है जब हम वाटर टू एयर देख रहे हैं, बट हम वाटर टू एयर तो नहीं देखते, एयर टू वाटर. तो लॉ रिवर्सिबिलिटी पढ़ी थी कल, अगर ये उल्टा होता है तो आपका जो वैल्यू है वो भी उल्टी हो जाती है, याद है, रियल डेप्थ. आपकी बुक में ये फॉर्मूला आपको मिलता है ना. तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, मीडियम टू एयर, एयर टू मीडियम. डेरिवेशन अगर अच्छे से समझ में आई तो अपने आप याद आएगा, डेरिवेशन नहीं समझ में आई कोई फायदा नहीं. ठीक है, फॉर अ ग्लास, क्वेश्चन है ये, फॉर अ ग्लास ए म्यू जी इक्वल टू 3/2, ए म्यू जी इक्वल टू 3/2. What do you mean by that? The real depth is 3. अब देखो. Apparent depth is 3. वाह. मीटर भी लगा दो. देखो. A mu g equal to 3/2. तो आपको second वाला ही formula है. Yes, sir. A mu g का formula क्या है? Real upon apparent. Apparent equals to real upon a mu g. Apparent को ऊपर ले गया, a mu g को नीचे ले आया. ये जो upon में लिखा है, इसे numerator में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? G mu a. बस उल्टा लिख दो. आपको law reversibility याद है? A mu g equals to 1 upon g mu a. और किसका उल्टा भी होता है? यानी g mu a. Equals to 1 upon A mu G. ये दोनों होते हैं, है ना? तो 1 upon A mu G तो लिखा है, इसको numerator में लिखूंगा तो G mu हो जाएगा. A mu G की वैल्यू क्या है? 3/2. G mu A की वैल्यू क्या है? 2/3. तो रियल डेप्थ कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, पर जो apparent डेप्थ है वो उसकी 2/3 हो, यानी 1/3 गई. यही समझ में, जो भी टोटल डेप्थ है उसकी एपरेंट डेप्थ कितनी है, 2/3. यानी अगर मैं तुम्हें पिज्जा में 3 हिस्से करके देता हूँ बट तुम खा पाओगे 2 हिस्से, पिज्जा ऐसा देखना ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो दिख रहा है बस, खा नहीं सकते. वैसे ही अगर एक ग्लास स्लैब को आप 3 बराबर हिस्से में तोड़ दीजिए तो आपका रियल तो ये पूरा है, बट आपको जो दिखाई देगा वो ये हिस्सा दिखेगा ही नहीं, आपको सिर्फ इतना दिखाई देगा. इसलिए अगर 6 मीटर का स्विमिंग पूल है, 6 फीट का, सॉरी, तो यहाँ 6 रख दो, तो 4 फीट का दिखाई. अगर मैं इमेजिन कर लूं, 6 का 2 2 2 है ना, इसके 2 हिस्से कितने हुए, 4 फीट ही तो हुए. या तो आप वैल्यू रख लो या आप वैसे समझ लो, तो आपको 4 फीट का दिखाई देगा.
समझ में आया या नहीं? तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवे है ग्लास स्लैब का, ठीक है, कहीं पूल का, ठीक है, एक और है, एक बार चीज वाटर पॉन्ड का, ठीक है, तो आपको जो आंसर देना होगा वो इस सेंस में देना होगा। समझ में आया या नहीं है? तब आपको आंसर इस फॉर्म में देना है। आप एक और फॉर्म में दे सकते हो, पहले बताओ ये क्लियर हुई? अब कोई बच्चा इस तरीके से सोचे कि सर ए म्यू जी को मैं ऐसे सोच रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, गलत है, सही सोच रहा है? सही सोच रहा है, ये भी तो हो सकता है। और वो कहते सर ये वैल्यू थी 3/2 वेलोसिटी ऑफ एयर वेलोसिटी ऑफ ग्लास, मैंने ये यहाँ ले गया, वेलोसिटी ऑफ एयर की 3% और वेलोसिटी ऑफ एयर ऑलमोस्ट हम वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम ही मानते हैं, यानी सी मानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3/10^8। तो आप कह सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट का वो क्या है, 3/2। समझ में आया नहीं है? यानी वेलोसिटी ऑफ ग्लास वेलोसिटी ऑफ एयर की क्या हो जाती है, 2/2। कहाँ पे ग्लास, यानी जो लाइट की स्पीड है वो ग्लास में कितनी हो जाती है, 2/3। समझ में? तो अगर आप इस सेंस में आंसर दे रहे हो तो भी सही है, अब मत तो थिकनेस और डेप्थ में, अब इस सेंस में दे दो। समझ में आया या नहीं है? क्लियर है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसके बाद आपका आता है एक पॉइंट, उसे बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? शिफ्ट। अब शिफ्ट क्या है, आपने अगर देखा कि ये रियल डेप्थ, फिर आपने देखा ये अपरेंट डेप्थ है, तो ये जो उठ गया वो शिफ्ट है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताना? तो अभी अपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला है वो ये है, यही तो आया ना अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, जी म्यू है ना, बस आर कॉमन ले लो, 1 जी म्यू ए। अब कंफ्यूजन क्या होती है सर, क्वेश्चन में तो जी म्यू ए दिया ही नहीं, क्वेश्चन में तो दिया ए म्यू जी, उल्टा कर दो या तो उल्टा करके डाल दो, नहीं सर हमें तो वैसे निकाल के दो, उल्टा लिख दो। आपकी बुक में ये वाला फॉर्मूला होता है मोस्ट ऑफ द बुक्स, क्योंकि आप एयर टू ग्लास देखते हैं, एयर टू वाटर या जो भी मीडियम रखो, ठीक है, मीडियम रखो, ठीक है ना, ग्लास के केस में ग्लास के केस में जी रख देना, अभी मीडियम रखा, वाटर के केस में डब्ल्यू रख देना। तो ये होता है शिफ्ट का फॉर्मूला, समझ में? अब देखो शिफ्ट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो पहली चीज, अब शिफ्ट डिपेंड भी तो देखना है, तो रियल डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है शिफ्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रियल डेप्थ अगर ज्यादा होगी तो शिफ्ट भी ज्यादा होगा, मतलब अपीरेंट डेप्थ उतना ही अपीरेंट, शिफ्ट कितना उठेगा ये है ना, रियल डेप्थ थ्योरी अपीरेंट डेप्थ थ्योरी, शिफ्ट मतलब उठना कितना होगा, तो जितनी मतलब गहरी चीज होगी आपको उतनी ज्यादा उठेगी। अगर मैं कहूँ देखो इसका एग्जाम्पल और समझो, अभी ये 6 था तो 4 दिखाई दे, अब 12 लो सर, जितना जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ये तो कट के वो बनेगा, बट उससे ट्वाइस भी तो हो रहा है वो, तो उतना बड़ा भी तो अपरेंट डेप्थ है, तो शिफ्ट भी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो पहला फैक्टर शिफ्ट के साथ तो ये है, ठीक है, इसे कॉपी करो, बाकी होता है जो बैंड होती है और यहाँ आ जाती है ना, ये जो बैंडिंग है ये किस पे डिपेंड करता है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो ज्यादा बैंडिंग नहीं दिखाई, ये वाला ज्यादा होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो कहेगा भाई मैं तो और ज्यादा खुल गई, क्योंकि ये जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम होगा उतना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट को रोक रहा होगा, बाहर जाते अगर जब बाहर गई, जैसे मैं कहूँ मान लो आप सबको 1,000 मिलने वाले, ठीक है, बट जिसके घर में पहले से 900 मिलते हैं उसके लिए 1,000 की कोई वैल्यू नहीं, तो
समझ में आ रहा है, बट जिसको मिलते ही नहीं है उसको 1000 रुपए की वैल्यू होगी। चल रहा पापा तो 900 देख देते हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं है। बट जिसको बहुत ज्यादा हुआ, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, स्पीड को बहुत कम कर देगा। बट जैसे वो एक फ्री मीडियम में गई, स्पीड एयर में गई, तो वो बहुत है, तो जब अगर वो ज्यादा तेज हो गई तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगी, ज्यादा बैंड होगा। तो इमेजिन करो वो ज्यादा बैंड होगी तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो क्या कम हो रहा है, एपरेंट डेप्थ कम हो रही है। ठीक है, ये जितना ऊपर जाएगा अपरेंट डेप्थ कम हो गया, बट शिफ्ट तो बढ़ रहा है, रियल डेप्थ नहीं चेंज हो रही, बट इसकी बैंडिंग से रियल डेप्थ कम हो रही है, शिफ्ट और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ने से क्या होगा, शिफ्ट बढ़ेगा, बट रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ पे क्या होगा, कम हो रही है, इनवर्सली। समझ में आया, आप शिफ्ट पे समझो, आप शिफ्ट समझ गए, अपरेंट डेप्थ अपने आप आ जाएगा, कि वो जब बैंड हुआ तो ये ऊपर उठा, तो पॉइंट से ही यहाँ से यहाँ बढ़ा, तो रियल ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है अपरेंट डेप्थ कम हो गया, बस शिफ्ट तो ज्यादा होता चला जा रहा है। कितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा शिफ्ट बढ़ाओ, वेरी गुड। बट रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फंडे पे और डिपेंड करता है, अगर मैंने पेपर पे 7 अलग अलग कलर से विद योर लिखा, बी से मतलब वॉलेट से बी, आई से इंडिगो मतलब इंडिगो से आई, ठीक है, ग्रीन से जी, ऐसे सबके रंग लिखे, तो पता क्या होगा, बताओ क्या होगा, सुनो सुनो, ये लिख दे रहा हूँ, इधर देखो साइन, मोर वेवलेंथ, इधर देखो मोर वेवलेंथ, क्या लिखा था, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी बात समझ में, यस सर, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस डेविएशन, है ना, यस सर, बेंडिंग भी समझ सकते हो, कम बैंडिंग दिखाएगा, कम बैंडिंग, अगर ये यहीं से बैंड हो गया होता है तो सब अपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी, अपरेंट डेप्थ शिफ्ट की बात हो, शिफ्ट कम हो रहा, लेस बैंडिंग या लेस शिफ्ट, तो आपने क्या समझा, मोर वेवलेंथ लेस शिफ्ट, ये डायरेक्ट समझो, ठीक है, तो इनवर्सली डायरेक्ट ही हुआ सर, इनवर्सली। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो मेरे पास तो यही मार्कर है, और इसको अगर हम देखते हैं तो ये सबसे ज्यादा नीचे, फिर ये ये, और ये, तो वी सबसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, और इसके बाद ये सारे कलर अपने आप, मतलब एक 3D फिगर जैसा कुछ दिखाई देगा, एक कलर सबसे ज्यादा उठा हुआ, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर दोनों सबसे नीचे, सही है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो तो वो उसके लिए ज्यादा, अगर स्पीड ऑफ लाइट में गए तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, तो उसकी स्पीड ऑलरेडी ज्यादा थी तो वो ज्यादा बैंड नहीं करा, तो उसका रियल डेप्थ और अपरेंट, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ ऑलमोस्ट बराबर है, तो शिफ्ट सबसे कम है, बट वॉलेट के केस में क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम थी, और वहां जाकर वो क्लियर है, कॉपी करो, लिखा है वो ऐसे लिखा, 3D में लिखा है, 3D में हाँ, ऑब्वियसली यार, मैंने क्या बताया, शिफ्ट के लिए क्या चाहिए, थिकनेस ज्यादा, तो जितना आप मोटा ग्लास स्लैब यूज करो, कोई नहीं, दो ग्लास स्लैब ले लो, एक के ऊपर एक रख दो, आपको क्लियरली विजिबल होगा, समझ में आया या नहीं है, कोई डाउट है, तो हमने 3 फंडे पढ़े, कौन कौन से, पहला फंडा बहुत सिंपल है, रियल डेप्थ पढ़ाओ, शिफ्ट आपको दिखेगा न्यूमेरिकली वाइज, वैल्यू वाइज, मतलब अगर पहले अगर 2 फुट हो रहा था तो 4 होगा, 3 होगा, मतलब बढ़ जाएगी वैल्यू। दूसरी चीज, जैसे आप एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हो, शिफ्ट भी बढ़ता है, क्योंकि रियल बैंडिंग ज्यादा होती है, उसकी वजह से रियल अपरेंट डेप्थ कम हो जाती है, तो शिफ्ट बढ़ जाती है, और हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे बढ़ता है, वेवलेंथ आपकी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और अगर वेवलेंथ
ज्यादा होगा तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली तो अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाता हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी।